आखिरकार राजस्थान के सीएम का फैसला भी हो गया। राजस्थान में अशोक गहलोत के डिप्टी होंगे सचिन पायलट। राजस्थान के सीएम को लेकर जारी घमासान आखिरकार खत्म हो गया। कई राउंड की बैठकें और मैराथन चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश का सीएम चुनने में कामयाब हुए। दिग्गज नेता अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम पद पर काबिज होंगे, तो वहीं सचिन पायलट गहलोत के डिप्टी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। और इसके अलावा पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया और इस दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ नजर आए। हालांकि इसके संकेत राहुल गांधी ने काफी पहले दे दिए थे। राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था, जिसमें ये तीनों मुस्कुराते नजर आ रहे थे। और साथ ही अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। इस फोटो के सामने आते ही सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जाने लगे कि अशोक गहलोत सीएम और सचिन पायलट डिप्टी सीएम होंगे। राहुल गांधी ने कुछ इसी अंदाज में गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तय किया था। इससे पहले गुरुवार देर रात तक दोनों नेता एक एक कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलते रहे। सचिन और गहलोत के साथ शुक्रवार को फिर राहुल गांधी की बैठक हुई। राहुल चाहते हैं कि एमपी की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एकता का संदेश दिया जाए, लेकिन राजस्थान में अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा था। हालांकि तस्वीर सामने आने से अब सब कुछ ठीक होने का संदेश गया। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने 199 में से 99 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 73 सीटें गईं और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को बीएसपी या निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जिन्होंने 13 सीटें जीती हैं। लेकिन इस जीत के बाद सीएम चुनने को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खूब खींचतान हुई। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इसी के साथ राजस्थान के सीएम को लेकर जारी घमासान भी खत्म हो गया। इंडिया न्यूज़ फाइल की रिपोर्ट।